जय हिंद। नमस्कार साथियों, अगर आपने सीआरपीएफ पैरा मेडिकल का एग्ज़ाम दिया है, इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन माध्यम से हुआ था और टीसीएस ने आपके एग्ज़ाम को यहाँ पे कंडक्ट करवाया था, अगर आपने भी इसका एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी एक ही बात यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमारा रिजल्ट कब आएगा और इसकी कट ऑफ लगभग कितनी रह सकती है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है वो 2020 की है सीआरपीएफ पैरा मेडिकल की। इसी साथ में आपको बता दें कि इस भर्ती का जो फॉर्म अप्लाई हुआ था वो ऑफलाइन माध्यम से हुआ था, इसका फिजिकल का जो एडमिट कार्ड आया था वो भी ऑफलाइन माध्यम से ही आया था। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें इसके रिटर्न एग्जाम के एडमिट कार्ड का, तो रिटर्न एग्जाम इसका ऑनलाइन माध्यम से एडमिट कार्ड आया और ऑनलाइन माध्यम से इसका एग्जाम भी हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि इस भर्ती का कट ऑफ आपको इतना ज़्यादा कम देखने को मिलने वाला है जितना आप सभी सोच नहीं सकते। जी दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि 2020 में एसएसबी ट्रेड्समैन की भर्ती आई हुई थी जो कि 1522 पोस्टों पर थी। कितना था? 1522 पोस्टों पर वैकेंसी निकल के आई हुई थी। उसका कट ऑफ कितना गया है आप सभी यहाँ पर देख चुके होंगे, क्योंकि उसका जो पास मार्किंग था 50% और यहाँ पर 45%, उसी पर ही बच्चों को उठा लिया गया, मतलब बच्चों को टेटेस के लिए बुला लिया गया इतने ही कम मार्क्स पर। ठीक है, तो उसी के इसके कम ही कट ऑफ आप सबका रहने वाला है सीआरपीएफ का। ठीक है, सीआरपीएफ पैरा मेडिकल में अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया था, फिजिकल पास कर लिया, रिटर्न एग्जाम दे चुके हैं, तो बहुत ही कम कट ऑफ रहने वाला है, सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बहुत ही ज़्यादा है। जी दोस्तों, बहुत ज़्यादा है सिलेक्शन होने के चांसेस आपके। तो आप एक काम करिए, रिटर्न एग्जाम आप दे चुके हैं, आपका आंसर की भी अपना चेक कर चुके होंगे, तो आंसर की में आपको कितना नंबर बन रहा है, कितना क्वेश्चन लगभग आपने सही किया, ये कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए। जहाँ तक हो सकता है कि 35% जो पास मार्क था उतने पर ही आपकी कट ऑफ यहाँ पर रह जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, और इसका रिजल्ट ना आने का रीजन यही है कि कुछ पोस्टों का, जैसे हेड कॉन्स्टेबल का या फिर इसी तरीके यहाँ पे कुछ पोस्टों का रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ था, तो उनका भी अभी यहाँ पे रिटर्न एग्जाम सफलतापूर्वक हो चुका है और अभी यहाँ पे सभी का केवल और केवल यहाँ पे रिजल्ट आना बाकी है। बात ही रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट आपका कभी भी किसी भी वक्त किसी भी पल जारी हो सकता है। रिजल्ट की अगर साथियों बात करें तो आपका 15 सितंबर के बाद आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी किसी भी वक्त जारी हो सकता है। ठीक है, 15 सितंबर के बाद आपका कभी भी हो सकता है, लेकिन 15 सितंबर से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा जो जानकारी अभी तक हमको मिली है। और बात रही कट ऑफ की, कट ऑफ आपका बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलने वाला है। अगर आपने सीआरपीएफ पैरा मेडिकल के लिए फॉर्म भरा है और फिर आपने रिटर्न एग्जाम दिया है, तो आप एक काम करिए, अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। लगभग लगभग अगर आप पास मार्किंग को भी क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप सभी को लगभग यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है, जिस प्रकार से एसएसबी ट्रेड्समैन में हुआ है उससे कम ही कट ऑफ इसका रहने वाला है। उसमें रीजन ये है, आपको बता दें एसएसबी ट्रेड्समैन का फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई हुआ था, लेकिन सीआरपीएफ पैरामेडिकल का जो फॉर्म था वो ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई हुआ, और जब फॉर्म अप्लाई हो रहा था तब कोविड-19 था, और कोविड-19 देखते हुए यहाँ पर काफ़ी सारा बैंक अकाउंट वगैरह, मतलब जहाँ मतलब बैंक से यहाँ पर बनवाना पड़ता था, जिसे बोलते हैं मतलब जमा करने के लिए पैसे देकर, उसे बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी मौके पर। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ कि ये ऑफलाइन फॉर्म था, तो फॉर्म लेकर फिलअप करना, टिकट वगैरह लगाना, तो काफ़ी जगह कोविड-19 की वजह से काफ़ी बंद हो गया था शहर वगैरह, इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम बच्चे सीआरपीएफ पैरामेडिकल के लिए फॉर्म को अप्लाई किए थे। सभी ने फिजिकल क्वालिफाई किया, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं। एसएससी जीडी की तब से दो भर्ती यहाँ पे फाइनल हो गई, एक 25,000 एक 50,000। ठीक है, उसी साथ में कितने स्टेट पुलिस की भर्ती है उसमें कितने बच्चे हो गए, बीएसएफ टेस्टमैन की दो भर्ती है उसमें कितने बच्चे हो गए, इस प्रकार से बच्चे कहीं ना कहीं हो चुके हैं। अब जो बच्चे बचे हुए हैं वो सभी सीआरपीएफ पैरामेडिकल में ही जाने वाले हैं। ठीक है, सभी भाई यहाँ पे मोटिवेट रहिए, अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। आप सभी का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा और उसी के बेस पर ही आप सबको यहाँ पे सिलेक्शन सीआरपीएफ पैरामेडिकल में मिलने वाला है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए कि आपका कट ऑफ यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलने वाला है। जहाँ तक चांसेस ये बढ़ रहे हैं, अगर आप सभी पासिंग मार्क क्वालिफाई करते हैं तो आप सभी को यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। और रिजल्ट की बात करें तो सीआरपीएफ पैरामेडिकल 789 पोस्टों पर वैकेंसी निकल के आई हुई थी। इसके रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट की बात करें तो ये रिजल्ट जो है वो आप सभी का 15 सितंबर के बाद कभी भी जारी होगा, लेकिन उससे पहले आपका रिजल्ट नहीं आ सकता, जो जानकारी अभी तक हमको मिली है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से कहीं दी जाती है तो आप सबको कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।